ये यहाँ ग्राम लिख दिया, ठीक, ये हमने यहाँ ग्राम लिख दिया। अब रुपए कितने हैं? 600, ठीक है। और इधर ग्राम, एक किलो में कितने ग्राम थे? 1000, अब 1000 लिखते हैं, ठीक। अब दूसरी साइड में देखिए, कितने में पूछा है? 250 रुपए में कितना काजू मिलेगा? तो 250 यहाँ, ये हमने x माना था, तो x यहाँ, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे और इसको इससे कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600x इक्वल टू 1000 इंटू 250, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 250 बटे कितना है यहां पर? 600। ये जीरो इससे काट देंगे, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या बचा? 100 इंटू 6 नीचे, और इसको काट दीजिए, 6 के 2 टेबल से काटेंगे, 2 3 का और 2 5 का। अब देखिए किसी से कटता है, अब देखिए किसी से कटेगा, कटेगा हाँ ना नहीं बोल रहा। तो 50 × 25 और अपन 3, ठीक है। अब देखिए नहीं कट रहा है तो आप क्या करेंगे, इसका 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 125 हो गया और एक जीरो बढ़ गया, कितना हो गया? 1250 बटे, आप इसमें 3 का भाग दे देंगे इधर, 1250, तो 3 × 12 5 को उतार दिया, 3 × 1 = 3, ठीक है। 2 बचा और 3 × 6 = 18, और ये फिर 2 बचेगा, तो कितना आएगा यहाँ पर? 3 × 6 = 18, तो ये आएगा करीब 7, यहाँ लिख दीजिए, तो ये आएगा 416.7 ग्राम। इतना हमको काजू मिलेगा।